तो चलिए दोस्तों, पहली बात तो हम ये करते हैं कि मैकेनिकल चेंजेस के बारे में। तो इसमें कोई भी मैकेनिकल चेंजेस नहीं हुए, सेम इंजन है, सेम टॉर्क है, सेम पावर है, तो इसमें और कोई मैकेनिकल चेंजेस नहीं है। तो चलिए चेंजेस की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या कौन से ऐसे चेंजेस हुए हैं RS 200 में। तो पहला जो चेंज है कि वो दो न्यू कलर स्कीम्स जो पल्सर ने लॉन्च किया है, बजाज ने लॉन्च किया है, वो है ग्रे एंड ब्लैक और उसके बाद जो है ब्लू एंड वाइट। तो इस वीडियो के एंड में आपको मैं ग्रे एंड ब्लैक का फोटो भी दिखाऊंगा। तो अभी आगे रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें न्यू क्या क्या चीज़ ऐड हुए। तो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन फीचर ऐड किया है, जिसके वजह से जो हेडलैम्प का ऑन ऑफ बटन है वो निकल गया है। और इसके अलावा सिर्फ आपको ट्विन हेडलाइट ऑन कर सकते हो या फिर सिंगल हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन रहेगा जब आप बाइक चालू करोगे। तो इसके बाद जो चेंजेस है वो इंजन में कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो एग्जॉस्ट थोड़ा सा अच्छा किया है, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एग्जॉस्ट का साउंड दिखाऊंगा। उसके बाद इसमें इंजन में जो BSIV4 कंप्लाइंट इंजन जो बजाज ने बिठाया है वो बहुत अच्छा है। इसके वजह से जो मैंने जब टेस्ट ड्राइव लिया तो पता चला कि ये इंजन थोड़ा स्मूद है, जबकि प्रीवियस RS 200 इतना स्मूद नहीं था जितना ये अभी स्मूद लग रहा है। तो उसके बाद जो है इसका टॉप स्पीड भी सेम टू सेम है एज 141 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। 6-speed गियर बॉक्स है तो वो भी कांस्टेंट है और अच्छा स्मूथ है वो पहले वाले बजाज से। तो ये बहुत अच्छा है कि स्मूथली गियर शिफ्ट्स होते हैं। तो उसके बाद अगर ये हम ऑप्शन देखें तो कौन से कंडीशंस में ये है, तो हाईवे पे और सिटी राइडिंग पे भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिनको ये बाइक ख़रीदना है तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एवरेज की बात करें तो सेम एज़ यूजुअल 35-40 KMPL का आपको एवरेज मिलेगा। उसके बाद राइड क्वालिटी और हैंडलिंग मुझे कंफर्टेबल लगी, उसमें ज़्यादा कुछ मुझे प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दिए। तो हम इसमें एक मिसिंग चीज़ बजाज ने ऐसी की है कि इसमें उन्होंने ABS सिंगल दिया है जो कि फ्रंट में ही मिलेगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। उसमें अगर बजाज ड्यूल चैनल ABS तो देना चाहिए, अगर डोमिनार में ड्यूल चैनल ABS दे सकते हैं तो इसमें भी देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द प्राइस रेंज। उसके बाद शोरूम की बात करें या फिर मुंबई में ऑन रोड इसका प्राइस मैं आपको बताऊंगा। तो मुंबई में ऑन रोड प्राइस इसका है 143,000 नॉन ABS वेरिएंट के लिए और 153,000 ABS वेरिएंट के लिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मुझे देखना है तो मुझे चूज़ करना है तो मैं बट ऑब्वियसली RS 200 के अलावा डोमिनर 400 की तरफ जाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी है, बहुत अच्छे फीचर्स भी है। तो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हिट करें सब्सक्राइब बटन और मोर एंड मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक नहीं किए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो उस वीडियोस भी आप चेकआउट कर लीजिए। और आपके इस सपोर्ट की वजह से मैं और भी वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स बढ़ने लगे हैं, बहुत सारे वीडियोस पे लाइक मिलने लगे हैं। अगर आपका कोई भी सजेशन हो वीडियोस के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, जिससे की वजह से मैं और भी वीडियोस बना सकूँ। और इस मंथ के एंड में मैं आप सभी के लिए एक गिव अवे कॉन्टेस्ट लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें एक लकी सब्सक्राइबर को मिलेगा एक अमेजिंग गिफ्ट। तो फिर वेट कर लीजिए इस गिव अवे कॉन्टेस्ट के लिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द लाइक बटन, शेयर करें आप फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे, तो मोर एंड मोर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एंड बाय।